तो गाइस पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि हम इस एंडर ड्रैगन प्रिजन के अंदर ट्रैप हो चुके थे और यहां से हम निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसे में हमने कई सारे बड़े बड़े खतरों का सामना किया और साथ में हमारी मुलाकात होती है इस एंडर ड्रैगन प्रिजन के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन से। अब उससे ढंग से हमारा आमना सामना तो होता नहीं है, लेकिन पिछले एपिसोड के लास्ट में वो हमको एक रूम में ट्रैप कर देता है और अब हमको उस रूम से किसी भी तरह निकल के इस प्रिजन से बाहर निकलना है। अब इससे पहले हम इस वाली वीडियो में आगे बढ़े, आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो यार क्या कर रहे हो, नीचे लाइक का बटन उसको दबा दो, बिकॉज़ ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है। और गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो क्या कर रहे हो, नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको दबा दो और बेल के आइकन को ऑल पे कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो यार चलते हैं बिना किसी देरी के इस वाले खतरनाक एपिसोड की तरफ। तो गाइस अभी के लिए वो जैसा भी विलन था उसने मेरे को इस छोटे से रूम में ट्रैप कर दिया है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और भाई मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन अब घर जाने के लिए मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो लेट्स गो। अब मेरे को आ चुका है गुस्सा और अब देखते हैं कि हमको निकलना कहाँ से। क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? नहीं, यहाँ पे तो रेडस्टोन टोर्च है और यहाँ पे ये ट्रैप डोर है। देखो अब हो ना हो यहीं से निकलने का रास्ता है, तो हम निकले तो निकले कैसे? अब मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, इसको करा नीचे, ओके। अब इसको ऐसे ऊपर, और इसमें घुस सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसे ऊपर। ओ यस, घुस गया। यस यस फाइनली। तो चलो अब मेरे को किधर जाना है? यहाँ पे जाना है क्या? ये ट्रैप डोर खोलता हूँ तो भाई सामने की तरफ एक गेट तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन मैं इससे आगे नहीं जा सकता। क्या मैं इधर जाता हूँ क्या? नहीं, मैं इधर भी नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी सी जगह में से तो निकलना इम्पॉसिबल है। यही एक इकलौता जरिया था यहाँ से निकलने का, और यहाँ से भी मैं नहीं निकल सकता। भाई मानना पड़ेगा उसने मेरे को ऐसी कैसी जगह पे फंसा दिया। अब करूँ तो करूँ क्या? क्या मैं यहाँ से निकल सकता हूँ? ओके ट्राई करता हूँ, लेट्स गो। प्लीज निकल जाइए, प्लीज निकल जा। तो चलो गाइस दोबारा ट्राई करते हैं, लेट्स गो। अब मेरे को ऐसे जाना है, ऐसे, ठीक है। खड़ा मत होइए, चल आगे। अरे यार मैं दोबारा खड़ा हो गया। चलो गाइस दोबारा ट्राई करते हैं, एंड ये लेट्स गो। ओके यस, हो गया फाइनली। ठीक, मैं तो यहाँ खड़ा हो गया, अब आगे कैसे बढ़ूं? अब मैं इधर भी नहीं जा सकता। अच्छा यहाँ पे एक और ट्रैप डोर है। ओह नाइस भाई, आगे चल। अच्छा मैं खड़ा हो गया क्या? तो गाइस अभी के लिए मैं इस जगह में फंस चुका हूं और मेरे को सांस भी नहीं आ रहा है। भाई निकलूं तो निकलूं कैसे? अब हो ना हो मेरे को इसी ट्रैप डोर की मदद से यहाँ से निकलना है, लेकिन कैसे? ऐसे, एंड हो गया, यस फाइनली। अब गेमिंग के साथ साथ हम सभी पढ़ाई तो करते ही हैं। अब ऐसे में आप में से कई लोग 11th में होंगे और कई लोग 12th के बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे और कई लोग नीट IIT वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे। अब ऐसे में मैं अगर आपसे कहूं कि इन सारी चीजों की तैयारी आप सिर्फ एक एप्लीकेशन पे कर सकते हो, जिसका नाम है अनअकैडमी। और अनअकैडमी पे अभी चल रहा है एक नीट UG का स्पेशल ऑफर, जहां पर अभी जाकर अगर आप 6 months का सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो आपको 1 month एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर 18 months का सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो 2 months एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप मेरा कोड TEDDY10 यूज करते हो तो। और साथ में अगर यहाँ पर आप एक साथ 42 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 72% ऑफ मिलेगा, और अगर 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 66% ऑफ मिलेगा, और अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 60% तक ऑफ मिलेगा। और अनअकैडमी पे चल रहा है विक्ट्री बैच फॉर नीट 2022, जो कि स्टार्ट होने वाला है 22nd December से। और साथ साथ गेट सेट टू हिट अ सेंचुरी नीट UG 2022 एंड टेक द फ्री फुल लेंथ टेस्ट ऑन 26 December 2 PM onwards, और साथ में मेरा कोड भी यूज करना TEDDY10। और साथ साथ अनअकैडमी की मदद से 5 टेस्ट टू कवर एंटायर क्लास ऑफ 11 सिलेबस एंड 5 टेस्ट टू कवर एंटायर क्लास 12 सिलेबस, एंड साथ में 10 फ्री फुल लेंथ टेस्ट क्यूरेटेड फॉर नीट UG 2022 एस्पिरेंट्स, एंड कवर द फुल सिलेबस प्रोग्रेसिवली विद ईच टेस्ट टिल यू आर कॉन्फिडेंट। तो भाई इतनी सारी चीजें एक ऐप के अंदर मिल रही है जिसका नाम है अनअकैडमी। तो भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जाओ जाकर डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा कोड TEDDY10 से यूज कर लेना। तो चलो गाइस अब यहां से मैं तैर के निकलता हूं, लेट्स गो। अब यहां से कहां जाना है मेरे को? ऊपर जाना है क्या? यस ऊपर जाना है मेरे को, लेट्स गो। अब कहां जाना है? अरे मैं तो यहां से नीचे वापस जा रहा हूं, नीचे नहीं जाना मेरे को, ऊपर जाना है। चल 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 चल। और अब यहां से शायद मेरे को जाना है ऐसे, एंड यहां से मेरे को शायद तैर के जाना है जैसे मैं जाता हूं। अरे वापस नीचे के जा रहा है। ठीक है अब दोबारा ट्राई करते हैं, लेट्स गो। ओ नहीं मैं फंस गया क्या यहाँ पे? नहीं मैं फंसा नहीं हूँ, वापस ट्राई करता हूँ, एंड लेट्स गो। अब इसको मैं करता हूँ ऊपर, एंड इसके, अरे यार फिर खड़ा हो गया, वापस एंड ऊपर, एंड ओ हो गया। अब इसके बाद ऐसे चल चल चल, हो गया बस। अरे यार मैं वापस खड़ा हो गया। प्लीज हो जाइए, प्लीज हो जा, प्लीज 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 प्लीज। ओ हो गया, नाइस। ठीक है अब मत खड़ा हो, प्लीज प्लीज प्लीज। यस फाइनली हो गया गाइस, अब हम यहां से निकल सकते हैं, लेट्स गो। ठीक है अब इसको मैं खोलता हूं, एंड ये मैं कहां आ गया?
शिट डैमेज हुआ, लेकिन मैं निकल गया यहाँ से। अब मेरे को किस साइड जाना है, लेफ्ट या राइट? सबसे पहले लेफ्ट जाके देखता हूँ कि यहाँ पे सीढ़ियां हैं और एक दरवाजा है, तो अब मैं किसी रूम के अंदर नहीं जाने वाला और अब मेरे को अब इधर भी जाना है। तो अब जाना है तो जाना कैसे है? तो भाई इस ट्रैप डोर का तो कोई काम ही नहीं है, बिकॉज ये अंदर को खुल रहा है और मैं इस वॉल के ऊपर भी चढ़ सकता हूँ ना, इस वॉल को तोड़ सकता हूँ मैं। तो लगता है मेरे को उसी साइड जाना है। अब यहाँ पे भी मैं आ गया, अब इसको शायद नीचे करना है। ओके, इसको खोल के नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। तो गाइस अब मैं यहाँ से निकलूँ कैसे, बिकॉज ये इतनी सी जगह है और मैं इतना ज्यादा बड़ा हूँ, मैंने कुछ ज्यादा कॉम्प्लेन पी लिया था। खैर सस्ते जोक्स तो बहुत हो गए, लेकिन अब निकलूँ कैसे यहाँ से? अब इस ट्रैप डोर को मेरे को ऐसे करना है और ऐसे। अब ऐसे करने से मैं लेट तो रहा हूँ, लेकिन अब निकलूँ कैसे? बिकॉज जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर आऊंगा तो मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा। 6.5 hours later ओ हो गया भाई, हो गया, यस भाई यार, शिट। मैं तो सोचा था कि मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, यहीं पे मेरा खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं भाई ट्राई कर रहा था, ट्राई करता रहा और फाइनली मैं निकल गया। यस, अब यहाँ से कैसे निकले भाई, यहाँ तो ट्रैप डोर ही नहीं है। प्लीज ये मत बोलना कि मैं यहाँ पे फंस गया। ओके, एक मिनट, क्या मैं ऐसे निकल सकता हूँ? ऐसे, और अरे यार दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा इस बार मैं, तो चलो गाइस दोबारा करते हैं। मैं कह रहा था कि यार इस बार मैं पार को, हाँ तो दोबारा लास्ट बार। तो गाइज मैं कह रहा था कि मैं यार, तो गाइज आप सबको लगता होगा कि ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। सच बताओ तो यार मेरा पार्कोर ना सच में कुछ ज्यादा बेकार हो गया। नहीं ये सब मजाक वाली बात है, मेरा पार्कोर बहुत अच्छा है, लेट्स गो। हो गया बस, ठीक है अब मेरे को वहां पे जंप करना है। हो गया, अरे यार शिट, एक बार और ट्राई करते हैं एंड लेट्स गो। ठीक है, अरे यार दोबारा लास्ट टाइम, इस बार तो हो ही जाएगा। ठीक है पीछे को एंड दोबारा, अरे यार ठीक है लास्ट टाइम, इस बार हो जाएगा। अरे यार कैसे भाई, वहां से क्यों उतर रहा है यार, वहां से थोड़ी उतरना होता। ओह हो गया, यस। मैं बोल रहा था ना भाई कि मेरे पार्कोर पे कभी शक नहीं करने का। हाँ थोड़ी लेट शक्ति आती है मेरी, पर आती जरूर है। खैर अभी के लिए अब यहाँ पे बहुत सारा रूम है। ओह सामने की तरफ कुछ चमक रहा है, तो चलो भाई आगे चलते हैं, लेट्स गो। ओ यहाँ पे इलाइट्रा है, इलाइट्रा को मैं ले लेता हूँ। तो चलो गाइस ये पहन लिया मैंने इलाइट्रा, लेट्स गो। ओ पीछे की तरफ आर्मर भी है, नाइस, नेदराइट का आर्मर। तो चलो गाइस अब मैं इस आर्मर को पहन लेता हूँ। तो गाइस इन्होंने यहाँ पे मेरे को वेस्ट दे दी, इससे अच्छा यार हेलमेट ही दे देते, बिकॉज इलाइट्रा के होते हुए मैं वेस्ट तो वैसे भी नहीं पहन पाऊंगा। खैर अब जो भी हो, इतना मिल गया वही काफी है। अब ये आर्मर मेरे को क्यों मिला है? और भाई दिखने में ये रूम भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब ऐसा हो सकता है कि आगे बहुत ज्यादा बड़ा खतरा आने वाला हो, खैर उसके लिए मैं तैयार रहता हूँ। लेकिन अब यहाँ से निकलूं कैसे, यहाँ तो कोई बटन ही नहीं है और इस बो की तो खैर मेरे को जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक एंचेंटेड बो है। अब यहाँ से निकले कैसे? ओके मैं समझ गया इलाइट्रा शायद मेरे को इसलिए दिया है कि मैं ऐसे निकल सकूं। भाई शिट यार, भाई क्या ही दिमाग लगा रहा हूँ यार मैं। अब यहाँ से भी लगता है मेरे को ऐसे ही निकलना है, लेट्स गो। ओ यस निकल गया, अब इसकी बारी। ओ भाई यस। तो गाइस यहाँ से यार मैं इन दोनों से निकल गया और अब चलते हैं आगे, मेरे को जाना कहाँ है। अब इस वॉल के ऊपर से भी मैं ऐसे ही जा सकता हूँ शायद, नहीं दोबारा पीछे से ट्राई करते हैं यार, शिट। ठीक है क्या मैं यहाँ से जंप कर सकता हूँ ऐसे? नहीं लगता यहीं से जंप करना होगा। लेट्स गो, हो गया यस हो गया फाइनली। अब मेरे को यहाँ से जाना है, लेकिन जाना है तो जाना कैसे है, यहाँ से ऐसे, ठीक है अब कैसे? ओ यहाँ से ऐसे, ठीक है नाइस हो रहा है। ओके यहाँ पे जंप किया, अब यहाँ पे वॉल है तो यहाँ पे तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन हाँ सामने की तरफ मैं जा सकता हूँ, लेकिन कैसे दोबारा ट्राई करते हैं। ओ हो गया यस, अब कहाँ जाना है मेरे को, शायद हाँ मेरे को सीधे जाना है, लेट्स गो, हो गया यस। तो चलो गाइस अब आगे की तरफ चलता हूँ मैं फाइनली, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ओके अब सीधे चलता हूँ, और भाई म्यूजिक वापस से इंटेंस हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और गाइस यहाँ पे एक प्रेशर प्लेट आ चुकी है, अब जैसे मैं इसके ऊपर पैर रखूँ। ओ ये भाई ये कहाँ गया मैं, शिट। और यहाँ पे इतना अंधेरा कैसे है भाई, अब कैसे निकलूँ मैं यहाँ से? भाई निकलूँ कैसे, मैं तो यहाँ पे फंस गया, और यहाँ पे इतने सारे गेट से कोई तो निकलने का रास्ता होगा यहाँ से? नहीं भाई ये क्या हो रहा है, ओ भाई इतने सारे मॉब्स कहाँ से आ गए, शिट मेरे को वेस्ट पहननी पड़ेगी भाई, मेरे को निकलना है यहाँ से, शिट ये तो मेरे को मार देंगे भाई, इतने सारे मॉब्स कहाँ से आ गए यार, यहाँ पे एकदम से आवाज आई, शिट ये कहाँ फंस गया मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे हाफ वर्ल्ड है, नहीं मैं मर गया शिट भाई ये क्या हो गया यार, मैं मर गया। अब यहाँ से निकलूंगा कैसे मैं, रिस्पॉन और शिट भाई ये इस रूम में मैं ट्रैप हो गया, और यहाँ पे लिखा रहा है एंड ऑफ पार्ट वन, जबकि ये पार्ट वन था और मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया। तो गाइस अब यहाँ से मेरे पास दो रास्ते हैं, पहला कि मैं इस एंडर ड्रैगन प्रिजन को यहाँ से कंटिन्यू करूँ, और दूसरा मैं यहाँ से इसको लीव कर दूँ।
तो गाइज आप सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या मेरे को इस एंड ड्रैगन प्रिजन को कंटिन्यू करना चाहिए और इसके पीछे की मिस्ट्री को जानना चाहिए या फिर मेरे को इससे दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज ये कैसी मिस्टीरियस चीज है इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है। अब हो सकता है कि अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो आगे मेरे को इसके बारे में और चीजें पता चले। और प्लस फर्स्ट पार्ट में जो हमने वो स्केलेटन देखा था जिसने नेदरराइट का आर्मर पहन रखा था, जिसने मेरे पे 2-3 बार हमले करके मेरे को ट्रैप किया था, उसके बारे में हमें और कुछ पता चल सके तो गाइज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो यार एक लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर से ऑल पे कर देना एंड शेयर कर देना इस वाली वीडियो को अपने माइनक्राफ्ट वाले दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी इस बारे में पता चल सके। सो गाइज मैं मिलता हूं आप सभी को ऐसी एक और न्यू कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।